close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा तीज मेकअप लुक, और ये मैंने 50 रुपीज़ चैलेंज किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो सब 50 रुपीज़ के हैं, 50 रुपीज़ के अंदर अंदर हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे ये मेकअप होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये मेकअप हम कैसे करते हैं। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, मानसून का मौसम है तो हरियाली तीज का त्यौहार आने वाला है, तो उस पर आप ये कुछ इस तरीके से मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये मेकअप करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि ये मेकअप मैं कैसे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी जॉय का आलमंड एंड हनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और ये इसमें सनस्क्रीन भी प्रोवाइड होती है। तो आप कुछ इस तरीके से गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने हैंड की हेल्प से अपने अच्छे से फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने ये पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है और ये मैं प्राइमर की जगह यूज़ करूँगी। तो 50 रुपीज़ में तो फ्रेंड्स प्राइमर मिलने से रहा, तो ये प्राइमर का बहुत अच्छा काम करता है, तो इसलिए मैं ये 50 रुपीज़ के अंदर अंदर आ जाता है, तो इसलिए मैं ये ही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये मार्स की छोटी सी बॉटल है फ्रेंड्स, ये फाउंडेशन है, ये वैसे तो 60-65 रुपीज़ का आता है, बट ये मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था तो ये मुझे 50 रुपीज़ का दे दिया था। और आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज का है। और फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा वाइट शेड है, थोड़ा सा मेरे शेड से लाइट शेड था, तो बट क्या करें, 50 रुपीज़ में इतना ही मिल सकता है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर लिया था। और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की हेल्प से, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, और थोड़ा सा ये ऑक्सीडाइज भी होता है। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे स्पिन्स का बीबी ब्राइटनिंग कॉम्पैक्ट लिया था और ये 20 रुपीज़ का आता है, और इससे मैं अपने फेस को पूरे अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको अपना बेस सेट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने ये दोनों साइड टेप लगा ली थी और ADS का लिप लाइनर लिया है। और मैं अपनी आईज़, सबसे पहले मैं अपनी आईज़ का मेकअप कर रही हूँ, और ये लिप लाइनर मैंने 20 रुपीज़ का लिया था फ्रेंड्स, और इसको मैं अपने कट क्रीज पर, अपनी आईज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करना है, और उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करते जाना है फ्रेंड्स, अच्छे से आप ब्लेंड करें इसको। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने अपनी दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लिया है, और आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, नहीं तो आपका शेड जो है बहुत ही ज़्यादा पैची लगेगा। अच्छे से ब्लेंड करते जाएं फ्रेंड्स। और अब मैंने यहाँ पे ये ब्लू हेवन का ये 12 रुपीज़ का मैंने काजल लिया था, और मैं अपने आउटर कॉर्नर पर इसको इस तरीके से अप्लाई करूँगी, कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है फ्रेंड्स, और एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको स्मच कर देना है, स्मच कर दें आप इसको अच्छे से। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क शेड ही लगा रही हूँ आउटर कॉर्नर पर अपने, और देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, आपको टेप अगर लगी हुई होती है तो बहुत इजी तरीके से आप अपना आउटर कॉर्नर को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये दोबारा से जॉय की क्रीम ली है, और उसको मैं अपनी आई लिड पर लगाऊंगी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना ग्लिटर अप्लाई करूँगी, तो मैंने यहाँ पर क्रीम लगा ली थी, उससे बहुत अच्छे से हमारा जो ग्लिटर है वो अच्छे से एकदम अप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और अच्छे से स्टिक हो जाता है। और मैंने ये भी ग्लिटर एक 50 रुपीज़ का लिया था, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, 45 रुपीज़ का था सॉरी। और यहाँ पे मैं इस तरीके से अपने इनर कॉर्नर की साइड से लेकर अपने आईलेट तक लेके जाऊंगी, और कुछ इस तरीके से अब फिल कर दूंगी फिंगर की हेल्प से। और अब मैंने यहाँ पर ये ग्लिटर, ग्रीन कलर का ग्लिटर लिया है, ये मैंने 10 रुपीज़ का लिया था, और कुछ इस तरीके से अपनी फिंगर की हेल्प से बिल्कुल अपनी, जहाँ पर मैंने अपना ब्लैक शेड और गोल्डन शेड को एंड किया था अपनी लिड पर, आई लिड पर,
वहाँ पर अप्लाई करूँगी। आपको बिल्कुल बीच में करना है उसको, आईलेट पर, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अब मैंने ये टेप उतार दिया, आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छे से मेरा विंग अप्लाई हो गया है यहाँ पर, और मैंने दोनों आईज़ कंप्लीट कर ली है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये कवर गर्ल का आईलाइनर लिया था, ये मुझे 40 रुपीज़ का लाइनर मिला था, और इसको अच्छे से मैं अपने आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी अपनी आईज़ पर। और बहुत इजी तरीके से अप्लाई हो गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लिया है। और ये मैंने लैक्मे की लिप आईब्रो पेंसिल ली है, और कुछ इस तरीके से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से आपकी इससे आईब्रोज़ फिल हो जाती हैं फ्रेंड्स। ये भी मैंने 10 रुपीज़ का लिया था, और एक स्पूली की हेल्प से अपने हेयर को, आईब्रोज़ के हेयर को सेट कर लूँगी। दोनों आईब्रोज़ को मैंने फिल कर लिया, आप देख सकते हैं कितनी नेचुरल लग रही हैं मेरी आईब्रोज़। और जितना भी मैं अब अपने ब्रश की हेल्प से जितना भी फॉल आउट हुआ था मेरे ग्लिटर का, उसे हटा लूँगी। और यहाँ पे मैंने ये ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया था, डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर है ये, तो उसको मैं अब कंटूर करूँगी कुछ इस तरीके से, बहुत ही लाइट सा कंटूर करूँगी मैं यहाँ पे, ज़्यादा कंटूर नहीं करूँगी, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं कंटूर अप्लाई करने के बाद अपनी फिंगर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये आप अगर फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है अपनी फिंगर की हेल्प से, बहुत अच्छा ब्लेंड होता है फ्रेंड्स, ऐसे ज़रूर करें आप। और अब मैंने यहाँ पे ये हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक ली थी, ये ड्यूप लिपस्टिक है, ये 50 रुपीज़ की मैंने अपनी लोकल मार्केट से ली थी, और मैं अपनी चिक्स फिगर अप्लाई करके अपना ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा डार्क हो गया था, मैंने लाइट किया था हल्का सा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा लिया है, ये मैंने 50 रुपीज़ का लिया था, वैसे ये 55 रुपीज़ का था, बट मैंने ये 5 रुपये कम करा लिए थे तो मुझे ये 50 रुपीज़ का पड़ गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है। और एक ब्रश लूँगी अब मैं, एक ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लैश लाइन पर जो मैंने ब्लैक शेड लगाया हुआ था, काजल लगाई हुई थी, उसको हल्का सा ब्लेंड कर दूँगी। और इस ब्रश पे मेरा थोड़ा सा रेड शेड लगा हुआ था तो वही मैंने अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर मैंने ये हुदा ब्यूटी की दोबारा से लिपस्टिक ली है और अपने लिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा शेड है और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा ये कलर करता है मेरे लिप्स को, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल एकदम मैट हो जाती है, आप देखिएगा कुछ इस तरह का शेड अगर आपको आपकी लोकल मार्केट में मिलता है तो आप ज़रूर लें। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये ग्लिटर गोल्डन कलर का लिया था, ये बहुत ही बारीक इसमें ये हाइलाइटर का काम करता है मेरा, तो इसलिए मैं इससे हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इससे हाइलाइटर अप्लाई हो रहा है मेरा, बहुत ही नेचुरल सा लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरह का आपको अगर कोई ग्लिटर मिले, कुछ हाइलाइटर टाइप मिले तो आप ज़रूर इसको बाय करें। और ये भी मैंने बहुत ही सस्ता लिया था, 10 या 15 रुपीज़ का था, तो मैंने इसको ख़रीद लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट ये हाइलाइटर के लिए बहुत ही अच्छा अप्लाई होता है मेरे फेस पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने लिप्स पर भी इसको अप्लाई किया था, बहुत ही प्यारा सा शेड लाने के लिए, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा ये लिप्स लग रहे हैं, और ये मेरा मेकअप लुक फ्रेंड्स कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ही मैंने अपनी साड़ी वेयर कर ली थी और इयररिंग्स पहन लिए थे और अपने हेयर्स को सेट कर लिया था, और ये है मेरा फाइनल लुक फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको मेरा ये फाइनल लुक, अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये 50 रुपीज़ चैलेंज तीज मेकअप लुक कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करा करें फ्रेंड्स और लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, टेक केयर।